Hello everyone, myself Dhanshree Verma from Govt Autonomous B.Sc College Chhindwara, and today we're going to study about the topic chemical bonds. So as I have told you that we're going to study about the bonds. So first we will see the general definition of bonding. So bonding in general terms refers to the establishment of a relationship or link with someone based on a shared interest. Means jab aap kisi ke saath relationship ya link किसी एक पर्टिकुलर रुचि के तौर पर आप इस्टेब्लिश करते हो तो आपके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है. सो अप्लाइंग दिस डेफिनेशन इन केमिस्ट्री वी कैन से दैट टू एटम फॉर्म अ बॉन्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट और टू गेट स्टेबल इन नेचर. सो हम ये बोल सकते हैं केमिस्ट्री में हमारे जो एटम्स हैं उनके पास भी एक जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है और उनका मेन एम ये है स्टेबल होना नेचर में. सो वो अपने इस मेन एम के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं. सो अब जिस तरह से बॉन्डिंग हमने समझ लिया तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्डिंग होगी कैसे, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हमारे पास है एटम्स. एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन. अब उन्हें जो है स्टेबल होने के लिए उन्हें ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की, जिसके लिए उन्हें लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होगा और इलेक्ट्रॉन्स कैसे वर्क करेंगे उन्हें स्टेबल होने में. सो इलेक्ट्रॉन्स जो है सिंपली या तो ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रांसफ़र होंगे या फिर शेयर होंगे, और इसकी हेल्प से जो है एटम्स जो हैं अपने आप को स्टेबल करते हैं और एक मॉलिक्यूल फॉर्म आउट करते हैं. अब जब हम देख रहे हैं कि बॉन्ड्स जो रहते हैं हमारे वो कई डिफरेंट तरह के होते हैं, और जो बॉन्ड्स का डिफरेंशिएशन है ये उनके फॉर्मेशन के बेसिस पर ही होता है. तो हमारे पास फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें मेन तीन होते हैं जो कि हैं आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट. अनदर टू आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल दे आर द बेस ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि वो भी हमारी केमिस्ट्री का एक हिस्सा है इसलिए हम उनकी भी स्टडी करते हैं. दैट इज मेटालिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो समझेंगे वो है कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज दो बंदे हैं ए और बी, उन्हें कंपनी एस्टैब्लिश करनी है जिसके उन्हें लगेंगे 1 लाख रुपीज़. बट द प्रॉब्लम इज ए के पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ हैं एंड सिमिलरली बी के पास भी 50,000 रुपीज़ हैं, बट फॉर स्टार्टअप उन्हें ज़रूरत है 1 लाख रुपीज़ की. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ए और बी जो हैं आपस में शेयर कर लेंगे अपने अपने पैसों को, और अपने पैसों को शेयर करके वो इस्टेब्लिश कर लेंगे अपनी कंपनी. सो कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पैसे शेयर करे. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. सो जहाँ पे शेयरिंग होती है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड. सो अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन केमिस्ट्री में देखें तो हम सिंपली बोल सकते हैं द केमिकल फॉर्म बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. अब कोवेलेंट बॉन्ड्स रहते हैं वो हमारे मेनली थ्री टाइप्स के रहते हैं, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो तब बनते हैं जब दो एटम्स के बीच में एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है. रिमेंबर द टर्म सिंगल पेयर, दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ शेयरिंग होती है वहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल जब हम H2 के बारे में बात करें तो H2 का फॉर्मेशन जो होता है उसमें जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा हाइड्रोजन उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. सो वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. और हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हमेशा एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लाइक दिस. सो दिस सिंगल डैश और लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सो हियर दिस इज द वे यू विल राइट द H2 टू शो द बॉन्डिंग बिटवीन दैम. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डबल कोवेलेंट बॉन्ड. सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स के बीच में टोटल ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. टू पेयर मीन्स टोटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन बोथ ऑफ द एटम्स. सो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. सो कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल समझने के लिए हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ O2. हमें पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4. इसमें आप देख सकते हैं कि इसका पी ऑर्बिटल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स को स्टेबल होने के लिए उनके पी ऑर्बिटल में टोटल ऑफ 6 होना इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है.
सो अब ऑक्सीजन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो उसे ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन उसे कहाँ से मिलेंगे? अगर उसके सराउंडिंग में हम मान लेते हैं एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अवेलेबल है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होगा 1s2, 2s2, 2p4, इसे भी नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, अगर हम देखें तो ये क्या करेंगे कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा लाइक दिस, तो यहाँ पे जो है अगर ये अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर इससे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन लेना इजी भी नहीं है। सो इसलिए ये लोग जो है आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और जब ये लोग शेयरिंग करेंगे तो दिस स्ट्रक्चर विल बी समवॉट लाइक दिस। तो इसमें जो है कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इधर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टोटल ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बींग शेयर्ड। सो इसका फॉर्मूला इस टाइप से बनेगा, और ये जो है ये हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड का जो है एग्जांपल है। अब बारी आती है हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब पूरी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दैट इज टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड इन बिटवीन 2 एटम्स। और हम इसका एग्जाम्पल में बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 और CH2, ये जो है इसके ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल होंगे। सो नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। हम जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, सबसे पहले नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो p ऑर्बिटल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि हमें पता है कि हमारे p ऑर्बिटल को स्टेबल होने के लिए हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ती है टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन की, बट इसके पास 3 है, तो जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो ये इस तरह से आएंगे। अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसे सपोज इसके पास है एक और नाइट्रोजन एटम, सेम इसका वैल्यू इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p3। दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये जो है इनके जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ये आपस में जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे समवॉट लाइक दिस, यू मैं गेट कन्फ्यूज कि ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे। तो सिंपली इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे क्लाउड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं, तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 1 प्लेस से दूसरी प्लेस पे इजीली डिस्प्लेस हो जाता है एज़ पर द इंटरेस्ट। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ आ गए, और अब इनके बीच में जो है बॉन्डिंग शेयरिंग हो जाएगी, और जब ये आपस में शेयर होंगे तो इससे एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब हम बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब 2 डिफरेंट एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं। 2 डिफरेंट एटम्स से मतलब ये है कि दोनों की जो है एक उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, एक उसमें से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। एक इलेक्ट्रो सपोज जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें हाइड्रोजन और सीएल का, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और सीएल में जो है सीएल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा कि सीएल जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ पुल आउट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सीएल पर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ड्यू टू विच ये जो मॉलिक्यूल रहेगा हमारा ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है। सो अब हम देखेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स रहते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब सेम टाइप ऑफ एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं, दैट इज़ अगर सेम अगर फॉर्म हो रहे हैं, सपोज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि सेम है तो इसलिए उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी जीरो होगा, तो इस वजह से जो मॉलिक्यूल रहेगा उससे अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वो ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा।
सो इस तरह से उसमें कोई भी पोलैरिटी का सवाल नहीं आता क्योंकि वो न्यूट्रल है, कहीं पर भी चार्जेस नहीं बनेंगे, इसलिए वो कहीं से पोलर नहीं हो सकता. सो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं H2, Cl2, F2 एसेट्रा. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट टाइप है आयनिक पॉइंट. सो एज द नेम सजेस्ट आयोनिक. सपोज जब हम आयोनिक सुनते हैं तो सबसे पहले एक टर्म हमारे माइंड में आती है जो कि होता है आयन्स. मीन्स इसमें जो है आयन्स का फॉर्मेशन होगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम इस ये देखेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करे, बनता कैसे है. और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. अगेन हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, दो फ्रेंड्स हैं ए और बी. स्टार्टअप करना है कंपनी का, चाहिए उन्हें 1 लाख रुपीज़ चाहिए. अब इस बार प्रॉब्लम ये है कि ए के पास है 75,000 रुपीज़ वाइल बी के पास है सिर्फ 25,000 ऑफ रुपीज़. सो अब जो है इसको ए और बी को जो है अपना फ्रेंडशिप, अपना लिंक जो है ख़राब नहीं करना चाहते. दे वॉन्ट टू बी टुगेदर इन दिस कंपनी. वो चाहते हैं कि जो कंपनी में जो भी काम हो वो सब साथ में हो और हम दोनों साथ में ही वर्क करें. सो इसके लिए ए क्या करेगा, वो अपने जो 75,000 है उसमें से वो अपने 25,000 जो है बी को डोनेट कर देगा. मीन्स इट विल डोनेट दिस 25,000, दिस विल डोनेट बी 25,000 ऑफ टोटल रुपीज. एंड दोनों के पास जब इक्वल इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सो दे विल गेट इक्वालिटी एंड दोनों जो है अपने स्टार्टअप करने के ईजी हो जाएगा. सो अगर हम आयनिक बॉन्ड केमिस्ट्री में देखें तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है उनकी स्टेबिलिटी जो है कई बार सपोज सिर्फ सिंपली इलेक्ट्रॉन से गेनिंग या लूजिंग से मिल जाती है. और जब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं उस टाइम पे क्योंकि चार्ज डिफरेंस आता है तो इसकी वजह से जो है आयन्स बनते हैं. एंड आयन्स आर नथिंग बट द चार्ज स्पीसीज और पार्टिकल्स. सो अब जब चार्ज का चेंज होगा तो या तो इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा. सो अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनती है तो हम ये बोलेंगे हम यहाँ पे कटायन का फॉर्मेशन हो रहा है. और अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनती है तो हम बोलेंगे यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है. जो हमारे मेटल्स होते हैं वो यूजुअली कटायन्स का फॉर्मेशन करते हैं और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायन्स का फॉर्मेशन करते हैं. आयनिक बॉन्ड के अगर हम एग्जांपल देखें तो आयनिक बॉन्ड हमारे पाया जाता है NaCl में, CaCl2 में, K2O में, MgO में और कई इसके एग्जांपल हैं. नेक्स्ट हम समझें कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है सिंपली एक टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है. टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन से मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन दो मॉलिक्यूल्स दो एटम्स के बीच में जो है शेयर होंगे. तो यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि जो टू इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों एटम्स के बीच में शेयर होते हैं ये दोनों कोई एक ही जो है प्रोवाइड करता है. तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन होता है ये जनरली मेटल आयंस और लिगेंड्स के बीच में या फिर फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में मिलता है. और ये जो है लुइस एसिड बेस थ्योरी के ऊपर बेस है जिसमें कि बेसिस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं और जो एसिड रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं. तो इनमें यूजुअली जो है एक सबसे खास बात जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वो ये होती है कि इनमें जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इलेक्ट्रॉन्स कोई नॉर्मल नहीं बल्कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि किसी भी एटम के पास एक्स्ट्रा होते हैं. तो वो जो नेचर में जिन्हें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उन्हें वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके उनके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल देखें तो उसका एक एग्जांपल होता है अमोनिया. अमोनिया जो है वो हमारा अमोनियम से मिलकर बना होता है. अगर हम अमोनियम का स्ट्रक्चर देखें तो वो होता है NH3 जिसमें कि N जो है 3 हाइड्रोजन एटम से जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर बचा रहता है. अब इसके पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो इसे किसी को डोनेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर उसे कहीं से मान लीजिए हाइड्रोजन का H+ आयन मिल जाता है तो वो क्या करेगा, वो ये दोनों एक्स्ट्रा जो उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी ज़रूरत है हाइड्रोजन को, जो उसके पास प्लस चार्ज है तो इसलिए उसे दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो इस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को है वो हाइड्रोजन के साथ जो शेयर कर लेगा और वो बना लेगा NH4 द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल जिसमें कि ये जो है ये हमारे क्या है कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, ये जो है ये वो है जो दे रहा है और ये वो है जो एक्सेप्ट कर रहा है लाइक दिस. नाउ द नेक्स्ट इज मेटेलिक बॉन्ड.
metallic bond, metal, here metal is coming. So you can simply say ki metallic bond wo bond hote hain jo ki kisi bhi element ke internal electrons aur atoms ke beech mein jo sharing hoti hai, atoms kisi bhi element ke internal atoms ke beech mein jo electron ki sharing hoti hai wo kehlata hai metallic bond. So metallic bond ko samajhne ke liye hum sabse pehle ek simple sa example lete hain. Suppose ye jo hai, ye aap dekh rahe hain, this ball is a metal. And ये जो beads हैं ये इसमें present atoms हैं. अब आप देख सकते हैं कि ये जो atoms हैं इनके बीच में अभी भी space बाकी है. अगर मैं इसमें पानी डाल दूँ तो हुआ यूँ कि पानी ने इनके बीच में जितना भी space था उसको उसने fill up कर दिया. तो ये जो space filling हो रही है इनके बीच की, जो पानी था जिसने इस को पूरा surround कर लिया है, वो एक्चुअली जो है इलेक्ट्रॉन सी की तरह है. मींस मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो जो है इस तरह से फ्रीली एज अ सी जो है बाहर आ जाते हैं उनके ऑर्बिट से बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन. और जब वो बाहर आ जाते हैं तो वो अपने ऑर्बिट में और ज़्यादा नहीं घूमते बल्कि इस तरह से एटम्स के बीच में जो है उनके स्पेस को फिल अप करते हैं और मेटल के जो एटम्स और न्यूक्लियस जो है उनके साथ वो है बॉन्डिंग आपस में कर लेते हैं. इनका कोई लोक इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आप ये नहीं बोल सकते कहाँ अरेंज रहेंगे. इनके अरेंजमेंट डिपेंड करती है ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड द प्लेस वेयर दे आर शेयरिंग द दैमसेल. अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में विच इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स. तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और ये कैसे फॉर्म हो रहा है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड एज नेम सजेस्ट इसमें हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा और इसमें वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कंबाइंड होगी और उनके आसपास एक और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एटम प्रेजेंट होगा जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का देखें तो हमें H2O है उसमें अगर हम ये वाला मॉलिक्यूल देखें तो ये वाले मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. अब अगर हम यहाँ देखें तो इसके आसपास इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का. अब इसमें जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है. इस ऑक्सीजन के पास जो है एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी दो एक्स्ट्रा लोन पेयर है इसके पास. तो क्या होगा कि अब हमें पता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एज़ पर इट्स नेचर ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ जो है खींचेगा. तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा सिमिलरली यहाँ होगा जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. अब अगर हम इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को देखें तो हम सिंपली देख सकते कि इन दोनों में जो है ये वाले हाइड्रोजन में और ये वाले ऑक्सीजन में जो है चार्ज डिफरेंस है दैट इज़ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. और हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या होगा इनके बीच में जो है एक अट्रैक्शन होगा. और क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है इसलिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इससे काफ़ी हद तक शेयर करेगा. तो ये जो शेयर करेगा इससे अपने एक्स्ट्रा लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा. इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इज ऑल्सो हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नियर इट. सो यहाँ पे जो है ये जो बॉन्ड बनेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके और एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो इसके और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं HF में HCl में और भी ऐसे कई सारे वो होते हैं. अच्छा तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि वाटर का लिक्विड क्यों है. तो वाटर का लिक्विड होने का सबसे मेन रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है. सो हेयर आवर वीडियो एंड्स. सो एट लास्ट थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो एंड सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.